दुर्गादास जी, जैसे हीरे इस म्यूजियम में आए, आप इन्हें बराबर देखने आते? जी हाँ, मैं ये देखने आता हूँ कि नन्नूल हीरो के लिए कितनी जाने गई है, बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों में कैसी कैसी जंगें हुई हैं और कैसे कैसे इंकलाब आए। घबराइए नहीं सेठ जी, अब कोई इंकलाब नहीं आएगा, ये हीरे अब नेशनल प्रॉपर्टी है और सरकार की अमानत। दैट इज वंडरफुल। और इस नेशनल प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए आपने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया होगा। इतना जबरदस्त इंतजाम किया है सेठ जी कि इस म्यूजियम से हीरो का चोरी होना नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। लेकिन वहां तो हवा भी नहीं गुजर सकती, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? तुम्हें वहां पहुंचाना भी मेरा काम है। गौर से सुनो, म्यूजियम के ठीक 10 फुट नीचे एक गटर बहता है और म्यूजियम की दाईं तरफ की सड़क के किनारे पर एक मैन होल है जहां से उस गटर में जाने का रास्ता है। सैटरडे को 3 बजे तुम उस गटर में से नीचे उतरोगे और 100 गज रेंगते हुए जाओगे। ये जगह ठीक उस कमरे के नीचे है जहां हीरे हैं। सैटरडे को ठीक 2 बजे म्यूजियम बंद हो जाएगा और 5 बजे वहीं से गणपति का जुलूस गुजरेगा और उस वक्त तुम नीचे से डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर दोगे। धमाके की आवाज जुलूस की आवाज में गुम हो जाएगी और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां हवा भी नहीं पहुंच सकती। रात को 11 बजे तुम गटर नंबर 3 में से बाहर निकलोगे जहां गाड़ी खड़ी होगी और आदमी तुम्हारा इंतजार करेगा। ये रहा नक्शा, इसे अच्छी तरह से देख लो। मेरा हिस्सा 10 लाख। 10 लाख? तो इसका मतलब है हीरो की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 3 करोड़। कौन है तुम? दुर्गादास जी, ये मेरे लिए 10 लाख से भी कहीं ज्यादा कीमती है। रंजीत, औरत पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। रंजीत अच्छी तरह जानता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किस पर भरोसा करना चाहिए। हेलो, मैं रंजीत बोल रहा हूं। तुम फौरन आ जाओ, बहुत बड़ा खेल है। 3 करोड़ का? क्या? हाँ हाँ पार्टनर, 3 करोड़ का, पर तुम चले आओ फौरन। रंजीत, समझ में नहीं आता, 10 लाख की बात 10 मिनट में 3 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तुम बिल्कुल भोली हो। दुर्गादास 10 लाख देकर 3 करोड़ कमाना चाहता है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं। थैंक यू माय लव। रंजीत की नीयत खराब हो गई है। क्या? वो आपको धोखा देने वाला है। दुर्गादास को धोखा देना अपनी जिंदगी को धोखा देना है। मैं गटर नंबर 10 से बाहर निकलूंगा, तुम गाड़ी वहां तैयार रखना। हीरे विक्टोरिया स्टेशन के लॉकर नंबर 8 में रखकर चाबी यहां रख दूंगा और 1 बजे की फ्लाइट से सीधा बैरूत चल जाऊंगा। लेकिन हम दोनों साथ क्यों नहीं जाते? इसलिए कि कस्टम वाले मुझे पहचानते हैं, मेरी अच्छी तरह से तलाशी लेंगे। तुम चाबी यहां से लेकर हीरे लॉकर में से निकाल लेना। तुम्हें यहां कोई नहीं पहचानता, इसलिए कोई शक नहीं करेगा, तुम आसानी से निकल जाओगे। आज से 3 दिन बाद बैरूत एयरपोर्ट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके ओके, गुड लक, बाय। रंजीत का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, ये लो।
क्या हुआ भरोसा साहब आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? ये आपको चाकू किसने मार दिया? हेर मारा चाकू? डॉक्टर जल्दी रुपए रुपए चाकू निकाल, चाकू निकालो, चाकू चाकू निकालो। किसने चाकू मार दिया? मैंने मारा नहीं, मारा नहीं, मैं बिल्कुल बैठू दूर हूँ, मैंने नहीं मारा। आप मुझे क्यों मार रहे? मैं बिल्कुल बैठू दूर हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने चाकू ले जाओ इसे, मैं बिल्कुल बैठू। सर ये होश में कब आएगा? इसका बयान लेना बहुत जरूरी। ये बयान देने का भी नहीं, आपको इंतजार करना होगा। हीरे उसके पास नहीं है तो मैं कैसे मालूम? बस पुलिस को भी हीरे नहीं मिले। जैसे भी हो रंजीत के पास पहुंचाओ, लेकिन वहां तो बहुत सख्त पहरा है। ओह शिट, आप हीरे हवा में नहीं उड़ सकते, कहीं ना कहीं होंगे। चलो तलाश करो। ओके बॉस। अरे अरे तुम होश में आ गए? डॉक्टर को बुलाओ या पुलिस को? तो फिर किसको? पंच पंचल भी लेता हूँ। क्यों, कोई रसीद नामा लिखना है क्या? ये थोड़ा खोल दो, खोल दो, लिखो लिखो। ये लो, मेरा एक काम कर दोगे? ये असली हीरे की, असली हीरे की? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेरा कुकोट नहीं, नहीं, नहीं। उसकी जेब में चाबी। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बोरी बंदर, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन लॉकर नंबर 8 की चाबी है। ये चाबी रख दूंगा, रख दूंगा, रख दूंगा। काटते देखे, ये भी गया। ये भगवान, ये 8 नंबर वार्ड बड़ा मनुष्य है, जो आता वापस जाते ही नहीं। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। चला गया चाबी। बोल हीरे कहाँ हैं? मैं कभी नहीं बताऊंगा। हीरे कहाँ हैं? तुमने मेरे दोस्त की जान ली है, इसलिए मैं तुम्हें हीरे का पता कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। सेठी, इस कमीने का मुंह खुलवाने के लिए तुम्हें कितने दिन लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा 6 दिन। गवाहों और दीगर बयानात से साफ जाहिर है कि रुपए के लालच में मुल्जिम ने खून किया। पुलिस ने मुल्जिम को जब गिरफ्तार किया तो उसके एक हाथ में नोट और एक हाथ में खून से भरा हुआ चाकू था। केस बिल्कुल साफ है, इसलिए अदालत मुल्जिम को जेर दफा 302 उम्र कैद की सजा देती। ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ इतना अंधा और नागारी हो सकता? जब साहब सलाह गुनाह की होती है, बेगुनाही की कोई गुनाह नहीं हो सकती। मैं बेगुनाह हूँ। बेटी, मैंने उस आदमी का खून नहीं किया है, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। बेटी, मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में किसी की मदद करना सबसे बड़ा जुर्म है। बेटी,
बेटी मुझे अपनी सजा का अफसोस नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा, तो दुनिया में अकेली रह जाएगी बेटी। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो बाबू, तुम्हारी बेटी हूँ मैं, तुम्हारे दामन खाकर कहती हूँ, साबित कर दूंगी कि तुम बेगुनाह हो, सारी दुनिया को बता दूंगी कि सच्चा इंसाफ क्या है बाबू। बेटी, बेटी, सामान निकाल कर बाहर फेंक दो, घोड़ा गाड़ी खोल कर ले चलो और मकान में ताला लगा दो, मुंह कर ले चलो, जल्दी करो। दया कीजिए हम पे, हम इस घर से निकल के जाएंगे कहाँ? ये अपने बाप को पूछो, उसने ये मकान गिरवी क्यों रखा था? हमें तो रुपया चाहिए, नहीं तो ये मकान चाहिए। अरे जल्दी करो, सामान बाहर फेंको, जल्दी जल्दी। क्यों चिल्ला रहे हो सेठ? घबरू न करे, किसी गरीब को क्यों सता रहे? आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया सामान छिपाने के लिए, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? सोच लीजिए सेठ जी, आपका जो दारू खाता है ना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा वाला साहब, 7 दिन क्या 15 दिन का टाइम देता हूँ, टाइम ही टाइम है। आप अरे अरे ढोंडू और बोंडू और रामू लच्छू, जल्दी आओ, कोई खास बात नहीं है, मैं कहता हूँ आओ और जल्दी आओ। वालदा जी, बात यह है कि आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे ब्याज दिलवा देंगे ना? अच्छा जी नमस्ते। अरे क्या मुझे देख रहे हो, कोई खास बात नहीं, सब फैसला हो गया, चलो। देखा बहन, मारवाड़ी अपने पैसे लेकर ही रहेगा, हम विक्टोरिया बेचकर उसकी रकम क्यों नहीं लौटा देती? से क्या होगा, विक्टोरिया बेच के भी सारी रकम अदा नहीं होगी। मुरली भैया, तुम मुझे विक्टोरिया चलाने का लाइसेंस क्यों नहीं दिलवा देते? लड़कियों को लाइसेंस नहीं मिलता। मैंने कहा पधारिए, सुस्वागतम, खुश आमदू। राणा, एक नया कबूतर आया, बिल्कुल सफेद बाल, यार ये बुढ़ापे में क्या कर रहा है? बेटे की तस्वीर बना रहा है, कमरे भर में बेटा ही बेटा तेरा। कितनी बार तुझसे कहा कि कितने साल हो गए, अब तो ये जवान हो गया होगा, ऐसा कैसे बना रहा तू? राजा, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था वो इतना ही छोटा था। दौलत की चोरी हम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है, लेकिन ना जाने वो कैसा पत्थर दिल आदमी था जो मेरे जिगर के टुकड़े को उठाकर ले गया। अब जाने वो जिंदा भी है या। ओए गाड़ी वाले, गाड़ी लाओ। ओ नो डार्लिंग, क्या हम विक्टोरिया में जाएंगे? अरे डार्लिंग, ये शाही सवारी है, जो मजा रोमांस करने का इसमें आता है वो कार में कहाँ? भगवान भला करे बेटा। अरे तू आ गई माँ, कैसी है? तेरी दया है बेटा। ठीक तो है, थोड़ी दुबली लग रही है, ये ले तेरा रोज का कोटा और ये लो 10 रुपए, इसका दूध पी लेना। सुखी रहो बेटा, सदा आपको। डार्लिंग, कोई भिखारी को भी इतने पैसे देता है क्या? अरे कोई अपनी खुशी से भिखारी थोड़ी बनता है, इसलिए इनको इतने दे देने चाहिए ताकि किसी और से ना मांगे। चल भाई। डार्लिंग, रोमांस तो बहुत हो चुका, अब शादी कब करेंगे? शादी? शादी 15 अगस्त। क्या? हाँ, उस दिन देश आजाद हुआ था और हम कैद हो जाएंगे। शादी को तुम कैद कहते हो? एक ऐसी खूबसूरत कैद जिसमें सब कोई नहीं कर सकता। डार्लिंग, मैंने एक बहुत अच्छा बंगला देखा है। भाई 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सुना है जल्द ही सीलिंग आने वाली है। उतने का ही होगा तो खरीद लेंगे। ओ रियली? अच्छा तो हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? हनीमून स्विट्जरलैंड। ओ डार्लिंग। अच्छा ये बात बताओ कि तुम कल रात को मेरे फ्लैट पे कितने बजे आ रही हो? क्यों? यूं ही जरा बैठ के शादी और हनीमून का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, इनकार नहीं करो, मैं पूरे 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, मैं मम्मी से कोई बहाना करके आ जाऊंगी, लेकिन जल्दी छोड़ देना। 12 बजे से पहले छोड़ देना, ओके? 12 बजे? कुमार, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? बोलो ये सब क्या है? थोड़े से बिल है। ये थोड़े से बिल है? मोटरों के बिल, होटलों के बिल, सोसाइटी के बिल, दुकानों के बिल, साड़ियों के बिल। तूने साड़ियां कब से पहनी शुरू कर दी हैं?
तो पिताजी मैं तो पहनते ही पहनता हूँ, पर हिंदुस्तान की आधी आबादी तो साड़ियां पहनती है। वो महिला आश्रम की कुछ औरतें आई थी चंदा मांगने, पर उनको साड़ियां नहीं दी। साड़ियां दे दी? तेरे ये बिल मेरे लिए सांप के बिल बनते जा रहे हैं। आखिर कह मैं कब तक ये तेरे लाखों के बिल अदा करता रहूंगा? करोड़ों रुपए हैं आपके पास पिताजी, रात ऊपर तो ले जा सकते नहीं, सोचा मैं खर्च दूं। बको मत, मेरे पास हराम का पैसा नहीं है। लाख का तो है। व्हाट? पिताजी एक दिन इन्फोर्समेंट वाले छापा मार के सब कुछ ले जाएंगे। सच पूछे तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके पैसे खर्च करके आपको आने वाली मुसीबत से बचा रहा हूँ। Shut up! My God! Get out! Good night, Dad. Good night! जग्गू, इसके तमाम क्लब्स की मेंबरशिप कैंसिल कर दो, मैं इसका एक बिल भी नहीं भरूंगा। एक ही तो लड़का है सरकार, थोड़ा बहुत खर्च कर लिया तो क्या हुआ? Shut up! मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। राणा और राजा, तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी 2 महीने की सजा माफ कर दी, इसलिए तुम लोगों को रिहा किया जाता है। तो मैंने पहले रिहा किया जाते क्योंकि हमारा चाल चलन अच्छा है। हो सकता है हाँ, क्योंकि लेकिन जेलर साहब, चाल मेरी अच्छी है, चलन इसका अच्छा, मैं तो दारू पीता हूं। नहीं जेलर साहब, ये तो वही बात है कि बाहर वाले हमें बदमाश समझ के अंदर कर देते हैं और अंदर वाले शरीर समझ के बाहर कर देते हैं। कहीं कहां भी अपना, कहीं भी अपना, कहीं 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 भी अपना ठिकाना नहीं जमाने में, ना आशियाने के बाहर ना आशियाने में। देखो, अगर बाहर भी तुम अच्छे चाल चलन रखोगे तो तुम्हें कोई अंदर नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग बाहर जाकर अपने आप को बदल लेंगे। अंदर ही कपड़े बदल लेते हैं। मेरा ये मतलब नहीं, आप लोगों ने देख लिया कानून के हाथ से कोई मुजरिम नहीं बच सकता। ये तो है। पिछले 15 वर्षों में तुम 30 दफा पकड़े। इसका हमें बहुत अफसोस है जेलर साहब, अब हम होशियार रहेंगे। हम वादा करते हैं कि अब हम नहीं पकड़े जाएंगे। क्या? इसका ये मतलब है कि हमें भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है, सरकार को भी तकलीफ होती है। हाँ जेलर साहब, हम इस तरह से, मेरा मतलब इस तरह का काम करेंगे कि ना पुलिस को तकलीफ हो और ना हमें तकलीफ हो। क्यों राजा? हाँ राणा। वेरी गुड, मुझे तुम लोगों से ऐसी ही उम्मीद थी। जेलर साहब, हम भी आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। आखिरी उम्मीद क्या? हमें सिर्फ घर पहुंचने तक का किराया दे दीजिए। तुम लोग नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। कहाँ रहते हो? कितना किराया? बोलो राजा। हुजूर, मैं रहता हूँ सिंगापुर, 4,000 किराया। मैं हांगकांग रहता हूँ, 5,000। 4, 5, 9। सिर्फ 9 बड़े नोट दे दीजिए। मजाक कर रहे हो? तो छोटे नोट दे दीजिए। देखिए, जिंदगी सुधारने का मामला है। गेट आउट। ऐसा लगता है हमने किराया कुछ ज्यादा मांग लिया। अरे सरकार के लिए 9,000 रुपए कोई बड़ी बात है? आजकल बहुत बड़ी बात है। ए, जला था, हमारे किसे लाई? लो मेरी अंगूठी, डायमंड की अंगूठी। ये लो तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारी अंगूठी, और ये तुम्हारी अंगूठी। अरे ठीक है, कपड़े वगैरह खेल लें तो फिर साइन करते हैं। लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो। वो मैं गद्दा छोड़ के गया था, वो कहाँ ठीक है होंगे? चल इनके कपड़े, कपड़े, अरे कपड़े यहाँ क्या पकड़ लो, चौक कहता, चलो 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 चलो। मैंने तुमसे कहा था कि इसकी जबान खुलवाओ, तुमने हमेशा के लिए इसका मुंह बंद कर दिया। इसके साथ साथ तूने मुझे भी मार डाला। मालूम है इसके जान की कीमत क्या थी? 3 करोड़ रुपए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा सेठी, कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे आज तक किसी ने जीते जी नहीं हराया, मगर तूने मर के मुझे हरा दिया। अरे राजा, क्या तू ये दिन को शराब पीता है? अरे यार, ससुराल से इतने दिनों बाद निकले हैं, जरा पी लेने दे। वो क्या कहते हैं, काली काली बोतल है शराब की जिसमें मेरी शबा बबा। राजा शेर तो ठीक पर। तो बोलना। वो काली काली बोतलें जो हैं शराब की, अरे रातें हैं इनमें बंद हमारे शबाब की। यही तो मैंने कहा। तूने खाक कहा। क्या कहा मैंने? राजा, हीरों की चोरी, तारीख देख, तारीख कुछ दिन पहले की बात है, जब हम लोग ससुराल में अपने ऊपर नहीं है बस। 3 करोड़ के हीरे और चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया, सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है। देख साले ने बड़ा लंबा हाथ मारा यार। अरे तुम्हारी तरह घटिया किस्म का चोर थोड़ी है, एक ही हाथ मारकर जन्म भर की छुट्टी कर दी, और तुम तो बाहर आते हो फिर अंदर चले जाते हो, तुम कर ही क्या सकते हो? अरे भाई, अपनी खुशी से अंदर बाहर थोड़ी आते हम। वो क्या है, लाई हयात आए, कजा ले चले चले।
आगे क्या भूल गया है? अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। राजा अब तो ये शेर छोड़, किसी ट्रक को रोकते हैं और बंबई चलने का इंतजाम करते हैं। अब कि हम लोग भी कोई ऐसा लंबा हाथ मारेंगे कि ये अंदर बाहर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। ठंडी चाय, बासी भजिया और ये सोडे में मक्की, चला खाने चला चले। जैसे ग्राहक आए तो हमने कमा लिया। रोको, अरे रोक, अरे ठहरो ठहरो, अरे दो सवारी देते ना। ए राजा सोडा ले आ, सोडा छोड़, अगर इस तरह गाड़ियां ना रुकी तो अपना तो बच जाएगा बाजा। एक काम कर, आपकी जो गाड़ी आए उसे जबरदस्ती रोक ले, समझे? आधी सड़क तेरी आधी मेरी, चलो 50%। हाँ 50-50 रोक लेना। अरे राजा, अरे क्या कर रहा है, थोड़ा गाड़ी रोकी ना, चल के चल, अब जो गाड़ी है रोक लेना, चल चल चल। अरे रामा लड़की, अरे आप जाइए रामा साहब। आइए आइए राजा साहब, बड़ी खुशकिस्मत है हमारी जो आपसे फिर मुलाकात हो गई। कहाँ जा रही हैं आप? क्या बात है, कौन है आप? आपने मुझे पहचाना नहीं, कैसे पहचान सकती, बहुत दिन हो गए। कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी जाऊँ आप लोगों को क्या करना है, हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे जल्दी जाना है। ऐसा ना करिए राजा साहब, बहन जी बात दरअसल ये है, राजा साहब का बच्चा मरने वाला है। कौन बच्चा? राजा साहब आप तो शराब पी गए, आपको कुछ होश नहीं, पी पी कर इनको कुछ भी याद नहीं रहा। बहन जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें अगले स्टेशन तक छोड़ दीजिए। चलिए चलिए राजा, बैठिए बैठिए, मैं इनके साथ आगे बैठ जाता हूं। चलिए ना पीछे बैठिए, पीछे आगे बैठने, चलिए ना, चलिए बड़ी बड़ी जल्दी करिए, बच्चे के मरने का वक्त हो चला है, चलिए ना जल्दी बैठिए बड़ी बड़ी। हाँ चलिए बहन जी, यहाँ मेरे पति रहते हैं। अरे आपके पास पति भी है? जी हाँ, ये उन्हीं का फॉर्म है, मैं उन्हें बुलाकर अभी आती हूँ। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत, उनका मगर सफर अच्छा कट जाएगा, क्यों आप बुलाती हूँ, मेरी बात तो सुनिए सुनिए जरा। राणा राजा कमाल है यार, निकला से तमगर कुछ नजर आता था, कुछ इसके पास पति भी है। अरे पर देख चाल देख, ठमक ठमक ठमक। और राजा अगर उसका पति आ गया तो मार मार कर ठुमक बना देगा। अरे जा जा अपने को मारना। क्या ख्याल है, अपने पास मोटर है, घुमाऊं बॉम्बे? बोतल नीचे रख, बोतल पतलून के अंदर छुपा लिया है, और जरा होश में रहे। हाँ होश में रहूंगा। गाड़ी तो वैसी ही है मगर नंबर वो नहीं है। स्माइल, माफ कीजिए, आपको खाम खाम में तकलीफ थी, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आए थे, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं साहब, हमें खबर मिली थी कि इसी टाइप की एक गाड़ी में बहुत सा माल स्मगल हो रहा है, लेकिन उसे एक लड़की चला रही थी। राणा भगवान का शुक्र है कि हम दोनों लड़की नहीं है। गए चल कर घुमा राजा। बहुत सा माल, गाड़ी लड़की चला रही थी। राजा हजार पति, राजा शायद लाख पति, शायद करोड़ पति, मिला हाथ, बच्चा पीपी पंछी। राजा मर गए,
राजा भाग एकदम शराबी। तूने ठीक कहा था राणा कि औरत के चक्कर में कभी ना आना। पर तू सुनता ही कब है? अब क्या करें, ये गाड़ी है चोरी की, पुलिस ने अपनी सूरत देख ली है। अब तीसरा दोस्त दिखी में आराम से सो रहा है। और यहाँ उसका क्या करें? करना क्या है, ऐसे लगता है कि जैसे इसका क्रियाक्रम भी अपनी किस्मत में लिखा है। चल चल इसे दफना दे। अरे ठहर, पहले पता लगा कि क्रिश्चियन है कि मुसलमान है या हिंदू है। अरे हम कोई मुल्ला या पंडित हैं जो लाश के लिए झगड़ा करें? नहीं तो चल फिर चला, चल 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 दफना इसे। अरे रुक रुक रुक, चल चल उठा, पकड़ उठा, चल राजा। नकली बाल, नकली गुंडा तो साला। अरे क्या देख रहा है? चाबी, चाबी हाँ बालों में से निकली। इसने ये चाबी खोपड़ी में फिट कर ली थी। ना इसे ये नकली बाल पहना दे, ये ले चाबी, इसके अंदर रख दे, अच्छा लेते तो अपना दे। हे राजा सुन, नकली बाल और असली चाबी, इसका जिस्म देखता है बेचारा सारा जख्मी हो गया है, इसे जला जला कर मारा गया है, लेकिन फिर भी इसने चाबी नहीं दी, अपनी जान दे दी। और चाबी को ऐसी जगह छुपा कर रखा जो कब्र तक पता ना चल सके। हा? इसका मतलब समझता है? इसका मतलब समझ गया। ये ऊपर वाले का चक्कर है। सुन राणा, आज तक हमने जितने ताले खोले हैं बगैर चाबी के, आज उसने ये चाबी दे दी है और कह रहा है ताले ढूंढ ले ताला। कहां की चाबी हो सकती यार? कहीं की भी हो, लेकिन ये चाबी मामूली चाबी नहीं। राजा मेरा दिल कहता है कि इस चाबी से अपनी किस्मत का ताला खुलने वाला है। करोड़ों रुपए का माल कहीं हमारा इंतजार कर रहा है। आप भीख देते हैं या रुपए लुटाते हैं? अरे लुटाने से कौन सा घाटा बढ़ जाएगा, बहुत है अपने पास। चल भाई। कुमार, शादी की तारीख कब पक्की कर रहे हो? 15 अगस्त। क्यों? उस दिन देश आजाद हुआ था और हम कैद हो जाएंगे। शादी को तुम कैद समझते हो? एक ऐसी खूबसूरत कैद जिसमें से कोई नहीं निकल सकता। डार्लिंग, हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? हनीमून स्विट्जरलैंड। अच्छा ये बात बताओ कि तुम कल रात मेरे फ्लैट पे कितने बजे आ रही हो? आना जरूरी है। आ जाओ तो अच्छा है। अच्छा तो मैं मम्मी से पीछे का बहाना करके ठीक 8 बजे आ जाऊंगी, मगर ज्यादा देर मत रुकना। हाँ 12 बजे से पहले घर छोड़ दूंगा। एक गाड़ी रुको, कल मिलेंगे। बाय बाय। अरे बाबू साहब, आप बुरा ना माने तो हम आपसे बात पूछो। ये रोज आपके साथ एक एक नई लड़की नजर आती है, आपसे प्यार से कहकर हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे जो तू सोच रहा है वो बात नहीं है। तो फिर? दरअसल मैं लड़कियों को आजमाता हूँ, देखता हूं कि मेरी दौलत देखकर कितना गिर सकती है, और जब गिरने लगती है तो वापस भेज देता हूं। पर आप ऐसा क्यों करते हैं बाबूजी? ठीक बुरी बात। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो मेरी दौलत से नहीं मुझसे प्यार करे, चाहे वो कैसी भी हो, गरीब भी हो तो मुझे परवाह नहीं। अरे बात सुन, तूने कभी प्यार किया? अरे छोड़ो ना बाबू साहब, क्यों मजाक करते हो? हम गरीब आदमी, हमारा चांस किधर जाने दो। अरे चांस की क्या बात करता है, प्यार करके तो देख। बाबूजी मैं एक मामूली विक्टोरिया वाला। पर तू विक्टोरिया को चलाता है, टैक्सी को नहीं चलाता?
रुपया किसके पास है? हाँ ओहो, कितने की आएगी तेरी टैक्सी? 15,000 की। मुझसे ले ले। क्या क्या? हाँ पैसे मुझसे ले ले। पर बाबूजी हमको तो वो मोटर चलानी भी नहीं आती ना। अरे वो भी तुझे सिखा दूंगा मैं, 10 दिन में बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। लेकिन बाबूजी आप अच्छा गाड़ी को, गाड़ी को। ये ले। ए बाबू साहब इसका छुट्टा उठा नहीं अपने पास? अरे रखना यार, ऐश कर, कल मिलना। सलाम साहब। अच्छा हुआ रहेगा बहन, तू यही मिल गई। ये ले सामान। क्या है ये? तूने उस आदमी का पता पूछा था जिसके खून के इल्जाम में चाचा जी जेल में हैं? चार बंगला मेरा लॉज रसोवा। देखा मेरा निशाना? कभी नहीं चुकता। एक बार चूक गया था। कब? उस रात को जब रंजीत तुम्हारे चाकू से जख्मी होकर घोड़ा गाड़ी के पास गिर गया था। लेकिन मरा तो सही, वहां नहीं तो हॉस्पिटल में। चाकू तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी लगती है। सिर्फ चाकू ही नहीं, छुरी भी। क्या मतलब? मतलब ये कि चाकू से मैं दूसरों को खत्म कर देता हूँ और तुम जैसी को छुरी मिल जाए तो खुद घायल हो जाता है। तुम बहुत चला। कमाल है बाबूजी, लोग मुझसे ताले की चाबी बनवाने आते हैं और आप चाबी का ताला मालूम करने आए हैं। नाना, इसका यह मतलब हुआ कि इसने शराब मोदी की पुरानी फिल्म उल्टी गंगा नहीं देखी। अरे भाई कोशिश तो करो, बताओ ये कौन से ताले की चाबी हो सकती है? बाबूजी किसी लॉकर की मालूम होती है। कौन से लॉकर की? पागल मालूम होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी आदमी जानी जान होती हैं, इन्हें सब कुछ मालूम होता है। चाबी चाबी पता होता है। ये बताओ ये कौन से लॉकर की चाबी है? बॉम्बे में लाखों लॉकर है, मेरे को मालूम है ये किस लॉकर की चाबी है। अच्छा, आपकी तारीफ बताओ बताओ बताओ, आपकी तारीफ सुना तुमने? गालिब से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तुम्हारा ही भाई निकला। वाह भाई निकला। बताओ बताओ जल्दी। ये पकड़ो, मेरे को दस्ता से दो ना। लो। अरे बोलो यार। ये पकड़ो, मेरे को बोलो ना। वेट जल्दी जल्दी। क्या दे दे दे। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी चाबी कहाँ है? चाबी गई। इधर नहीं, उसके। किसके? उधर मैंने डाली। किसके डाली? उसके लेडी के। अरे राणा तूने मरवा दिया, कहता था पहुंचे हुआ आदमी पागल है, 3 करोड़ की चाबी गई। तो कहना कर, अभी निकालते हैं तो कहीं का। मिसी बाबा, मिंता मिंता, मिसी बाबा ने वो मांगता। पहले हमको वो पागल धक्का मारा, अब तुम क्या मांगते? मिन साहब हम धक्का मारना नहीं मांगते, हम तो अपने वो मांगते। क्या मिसी बाबा आपके यहाँ गुंडा
bloody fool! Oh, God, Mr. Hey, 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 बाबा मैं समझाता हूँ बात का। क्या क्या आ रहा हो जो बात है। यू मैं गेट जवान आदमी भी है। अच्छा ये बुढ़ापे ने सत्यानाश कर दिया। चलो देख ही ले। देख ले भाई। अरे आजा मेरी जान और बैठ जा 6 नंबर के प्रेम पे। आहा जानती है आज तारीख 6 महीना 6 तेरा नंबर 6 मेरा नंबर 6 सारा काम सारू 6 तू देख लेना तेरी मेरी शादी ऐसी हिट होगी कि सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली यहाँ तक कि डायमंड जुबली हो जाएगी मेरी जो। ये क्या कुछ 6 नंबर कहा करता है। ये तो कोई छक्का लगता है। अरे तेरे खोपड़ी में ये बात नहीं आएगी। ये नमरोलाजी है नमरोलाजी समझी। आज का दिन है 6 का। आज अगर तेरी मेरी शादी के बाद पक्की होगी ना तो तेरा भाई उल्टा लटक कर भी हमारी शादी नहीं तोड़ सकता समझी। ले ले मंगनी की अंगठी देता हूँ मैं तुझे। ये बहुत ही कीमती है असली हीरो की। पूरे 10,000 की है 10,000 की। हाय राम 10,000 तू मामूली वार्ड बॉय 80 रुपए कमाने वाला इतनी कीमती अंगूठी तेरे पास कैसे आई। कहीं तो किसी मुर्दे के हाथ से उतार के तो नहीं लाया। कहीं जो मुर्दे के हाथ देते थे कि नहीं लाया। पगली कहीं की। अरे मुर्दे ने मरने से पहले मुझे दिए। और वैसे भी बेचारे को मरना ही चाहिए था। उसके खाट का नंबर 8 उसके वार्ड का नंबर 8 8 बजे उसने मुझे चाबी दी। कहा कि इस चिट्ठी को जाके लॉकर में रखो और हाईवे के पहले पुल के आखिरी पत्थर के नीचे इस चाबी को रख दो। और 8:17 पे बेचारा सीधा हो गया। 7 और 1 8 अरे तेरे भाई का नंबर भी 8 है। बतक मत कर। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे बेवकूफ समझता है क्या। चाबी रखने के लिए कोई तुझे 10,000 की अंगूठी देगा। अरे मैं माँ की कसम खा के देख मैं हवलदार की बहन हूँ सब समझती हूँ। अभी जाके कहती हूँ तुमने चोरी की है जेल होगी चक्की पीसेगा चक्की। अरे जा आज के दिन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज 6 नंबर का दिन है। लकी डे नंबर 6 मेरा भैया पुलिस में है। तूने चोरी की मुझे तेरी अंगूठी नहीं चाहिए। ये ले अपनी। अरे अरे मेरी चोरी नहीं की। अरे अरे मेरी बात तो सुन। मेरी बात तो सुन। मेरी बात तो सुन। बोलो तो बोलो 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 बोलो। अरे राम हरे कृष्ण आगे महाराज पीछे रहा। क्या चक्कर है महाराज। क्या कह रहा था लड़की से। कौन था वो आदमी जिसने तुझे चाबी दी थी। मैं ये तुमको क्यों बता दूं। आपकी तारीफ तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया और तुझको हंसी बनाया और मुझको जवां बनाया। वाह साहब क्या जवानी मेंटेन की है। मुझे किसने बुलाया। शामत ने बुलाया। आजा बजा दे इसका बाजा। क्यों 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 बजा रहे बाजा। वो आदमी कब मरा था। कौन सा आदमी। पिछले महीने की 8 तारीख को। चिट्ठी कहाँ रखी है। कौन सी चिट्ठी कैसी चिट्ठी। देख इस वक्त तेरा नंबर गलत लग रहा है। ठीक से जवाब दे। 8 नंबर के लॉकर में। लॉकर कहाँ है। बोरी बंदर स्टेशन। बोरी बंदर कहाँ है। बम्बई में। बम्बई में तो कुछ बोल। उसने और क्या बताया था। मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ याद नहीं। मैं आपके हाथ पांव जोड़ता हूँ मुझे छोड़ो। गधा लगता है यार। मैं बिल्कुल गधा हूँ। गधे से भी गधा हूँ। छोड़ दो चल भाग। इस बारे में किसी से कुछ कहा। सारे नंबर गलत हो जाएंगे समझा। राणा बोरी बंदर स्टेशन और 8 नंबर का लॉकर। राजा 3 करोड़ के हीरों की चोरी 7 तारीख की रात को हुई थी।
और 8 को ये आदमी चाबी छोड़कर मर गया। कहीं ये चाबी 3 करोड़ की तो नहीं है? हाँ, 3 करोड़ की चाबी। इसे संभाल कर रख, संभाल कर रख। चल चल चल। कागज विक्टोरिया नंबर 203 में स्टार, इसका मतलब है हीरे, हीरे विक्टोरिया नंबर 203 में। विक्टोरिया नंबर 203 में क्या? मैं समझ गया। मैं नहीं समझा। चल 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 चल। क्या हुआ डैडी? अरे वो माई नहीं है आज, कहाँ है वो? बूढ़ी माई। हाँ वो सामने पड़ी। माँ, माँ क्या हुआ तुझे? तुम्हें बेटा कुछ नहीं, जरा तबीयत खराब हो गई थी। अरे अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, चल हॉस्पिटल चल मेरे साथ। चल 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 चल। ये क्या कर रहे हो कुमार, अपना सारा प्रोग्राम खराब कर रहे हो? एक भिखारिन बुढ़िया के लिए अपनी रंगीन रातें बर्बाद कर रहे हो? ऐसे तो लाखों भिखारी फुटपाथ पर मर जाते हैं, क्या सबका ठेका ले रखा है तुमने? ठेका तो मैंने तुम्हारा भी नहीं ले रखा, और तुम्हारे रंगीन प्रोग्राम के लिए मैं एक गरीब औरत को फुटपाथ में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम जा सकती हो। काले वाले जी साहब, आया। माई का सामान उठाओ। जी साहब। इस औरत को निमोनिया हो गया है, कम से कम 1 महीने इसको यहाँ रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब भाई का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कीजिएगा। ये रखिए पैसे, आपको जरूरत पड़ेगी। एक बात पूछूं मिस्टर कुमार? कहिए। आप इतना सब कुछ इसके लिए कर रहे हैं, क्या ये आपकी कोई रिश्तेदार? नहीं नहीं, मेरी कोई नहीं लगती। दरअसल बात यह कि मैंने अपनी माँ की सूरत नहीं देखी, इसलिए हर बुढ़ी औरत मुझे अपनी माँ समान लगती है। इसका पूरा ख्याल रखिएगा। चल उधर, मेरा रास्ता उधर। बोल क्या कहता है? बोल, तू जो कहता वही जा। जो कहता तो देखे, तो मैं नहीं देखता। दीदी, बापू कहाँ चले गए, घर क्यों नहीं आते? आ जाएंगे। कब? बहुत जल्दी आ जाएंगे।
लेकिन तू क्यों फिक्र करती है? बाबू नहीं तो क्या हुआ? मैं जो हूँ तेरे पास हूँ दीदी, और हमारा कोई नहीं है। बापू से सुना था कि हमारा एक मामा और एक चाचा भी है, लेकिन वो बहुत पहले अफ्रीका चले गए थे। मैंने उन्हें देखा। हेलो, चल मैं देखती हूँ। अरे कितनी बड़ी हो गई है। भाई साहब कहाँ है? राजा देख, हमें पहचानती ही नहीं। कैसे पहचानेगी, इतनी सी थी जब हम छोड़ के चले गए थे, एक छोटी सी कली थी, कली देखी थी अब गुलजार है तू, छुरी देखी थी अब तलवार है तू, और क्या तलवार है। राजा तू बंद कर अपना बाजा। वो देख, वो देख, ये वही बच्ची है जिसके बारे में भाई साहब ने लिखा था। देख ये भी कितनी बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी हो गई है। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हाँ, ये बुड्ढा है ना, ये तुम्हारा चाचा है। चाचा, और मुझे तो मैं ये तुम्हारे मामा जी हैं। मामा जी, हम आज ही अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका? सुना है वहाँ बहुत से खतरनाक और जंगली जानवर होते हैं ना? हाँ बेटा, वहाँ बहुत ही खतरनाक और जंगली जानवर होते हैं, और हीरे भी मिलते हैं। दरअसल हम हीरों की तलाश में वहाँ गए थे, लेकिन मेरे नहीं पत्थर भी कुछ नहीं मिला। हमने सोचा चलो अपने देश चले, अगर किस्मत में हुआ तो हीरे यही मिल जाएंगे और भाई साहब की मुलाकात हो जाएगी। यही मिल जाएंगे। भाई साहब कहाँ है? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई। बापू कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। अरे अरे अरे, भाई साहब घर में नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। अरे अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि भाई साहब के साथ और तुम्हारे साथ, अभी तुम दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी में कुछ दिन काट लेंगे। लेकिन क्या करें, अब जब भाई साहब ही घर में नहीं है तो हम लोगों का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ राजा, चल किसी प्लेटफॉर्म पे सो जाएंगे। हाँ तकलीफ ही होगी ना। हाँ, तो लेंगे। चल अच्छा बेटी, जीती रहो। जी जीती रहो। चल राजा, चल 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 चाचा जी। हाँ मामा जी। हाँ। चाचा जी, ये आप ही का तो घर है, और भला अपना घर कोई छोड़कर जाता है? लेकिन फिर मैंने आपको कितने दिनों बाद देखा है, मैं आपको कैसे जाने दूंगी? बिल्कुल आपको यही रहना होगा। हाँ चाचा जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बापू भी नहीं है, हमें डर लगता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और मैं? आप भी कैसे जा सकते हैं? मत जाइए मामा जी। हाँ, हाँ, कैसे जा सकते हैं ना। हाँ राजा, हम इन बच्चों का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? मैं कभी किसी लड़की का दिल ही नहीं तोड़ सका। बेटी अब तुम इतना जोर देती हो तो हम यही रह जाते। हाँ। लेकिन एक शर्त है, हम लोग अफ्रीका से आए, हमें खुली हवा में रहने की आदत है। हाँ। हम लोग बाहर ही सो जाएंगे। हाँ। हम लोग गाड़ी के पास। हाँ, वही वही वही। अच्छा, तो गरम गरम। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, खाना तो हम लोग ट्रेन में खा के आए हैं। कौन सी ट्रेन में? अफ्रीका वाले ट्रेन में। हाँ, खाना खाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सोना है। तुम दो गरम तकिए ले आओ, नरम तकिए दो। शराब तो बंद कर। शुरू किया जाए, आगे से या पीछे से? आगे से ना पीछे से, ना नीचे से तू ऊपर से। चमेटा चमेटा चल। Thank you.
अरे ये बत्ती छोड़ तो पहिए खोल डाल, पहिए खोल डालना, चल जल्दी कर यार, बड़ा वक्त लग जाएगा। लगने दे। अंदर है तू, अंदर देख, तू देख। मैं देखूं? नहीं, इसमें भी नहीं। राजा कहाँ होंगे हीरे? सारी मेहनत बेकार गई। कहा जा रही है? अरे छोड़ ना यार, अपने यार व्यार के पास जा रही होगी, चल अपन भाग चले। राजा राजा, हीरे हमें यहाँ विक्टोरिया में तो मिले नहीं, सब तो देख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको हीरे मिल गए हो और इसने कहीं अपने यार के पास? अरे तेरे दिमाग तो, क्या दिमाग है तेरा, बिल्कुल सच बात है। बड़ी उस्ताद लड़की निकली, हम दोनों से शादी करते, चल पीछा करो, चल। ए भाई क्या पहचाना मुझे? नहीं। अरे मैं तुम्हारे यहाँ काम करता था। लड़की देखी और हीरे भूल गया। अरे सब तेरी वजह से। चल 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 चल। मारने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मारा तो कोई नहीं है, शायद मेरा घर देखकर ही भाग गए होंगे। घबराओ मत, बारिश हो रही है, इस वक्त कहाँ जा रही हो? मेरा मतलब है बारिश रुक जाए तो चली जाना। अरे तुम तो कांप रही हो, चलो चलो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आओ ना बाबा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये लो एक घूंट पी लो। पी लो ना। अरे इसमें क्या बुरी बात है? शाबाश। अरे तुम तो बिल्कुल भीग गई हो, ऐसा करो कपड़े बदल डालो। मैं ठीक हूँ। अरे कपड़े बदल डालो, इसमें क्या बात है? तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। जाओ कपड़े। हेलो। अभी जो लड़की तुम्हारे पास पहुंची है वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या? वो वही विक्टोरिया ड्राइवर की लड़की है। अगर तुमने कोई गलती की तो हम सब अंदर और उसका बाप बाहर होगा। अरे
जब तक मेरे कपड़े नहीं सूखते मैं आपके ये तौलिए। आज की रात तो यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। आप कितने अच्छे आदमी हैं। आपने मुझे उन बदमाशों से बचाया। अगर आज आप ना होते तो वो लोग। दरअसल मैं तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आज मेरी किस्मत खुल गई। हाँ? जी जिंदगी बहुत कम होती है और वक्त हमेशा मेहरबान नहीं रहता, इसलिए ऐसी रंगीन रातें बेकार नहीं जानी चाहिए। जी, आपका इरादा क्या है? अभी तक नहीं समझे? मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हें अपने बाप को छुड़ाने के लिए सबूत चाहिए ना? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी तुम्हारे चक्कर में आ गया था। तुम वाकई ही बहुत होशियार हो और बहुत ही खतरनाक भी। जानती हो मैंने तुम्हें अभी तक किस लिए नहीं मारा? क्योंकि मैं खूबसूरती का पुजारी हूं। आओ अपने इस खूबसूरत जीवन की आखिरी घड़ियां मेरे साथ रंगीन बना लो। नहीं हुई, तुम्हारा मुंह रंगीन हो गया। राणा एक अच्छा सा शेर आ गया कि राजा 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 अंदर से... क्यों मिस्टर, इस लड़की को जिंदगी की आखिरी घड़ियां क्यों गिनवा रहा था? बोल बोल, तो तेरी आखिरी घड़ी आ जाएगी। जिस खून के लिए मेरा बाप जेल में है वो किसने किया है? राजा राणा समझे नहीं? अरे यही पता करने के लिए तो ये बच्ची यहाँ आई थी। ओ एक शेर याद आ गया, उनके कत्ल से जो मुंह के अंदर रौनक। हाँ तो पूछ पलो, पता लगा पता लगा। बाल बाल बता दो। हो गई थी जो अकेले उस बदमाश के घर चली गई। जानती हो तुम्हारी जान भी जा सकती थी और इज्जत। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी कि हम दोनों वहां पहुंच गए, वरना तुम किस तरह जलील होती है वो तुम्हें ही नहीं मालूम। आखिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की, किस लिए की? मैंने बापू के सामने सौगंध खाई है कि जैसे भी हो मैं असली खूनी का पता लगा कर रहूंगी। मगर तुम एक लड़की हो, ऐसे बदमाशों का मुकाबला कैसे कर सकोगी? जैसे भी हो चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं बापू को जेल से छुड़वा कर ही रहूंगी। दीदी बापू जेल में है। तुमने मुझसे झूठ कहा था। झूठ तो कहती तो क्या कहती तुझसे, क्या कहती तुझसे? तुझे मैं सच कैसे बताती कि बापू जेल में है, ये कैसे बताती कि बापू जेल में होंगे?
बेटी, तुम अपने बाप को छुड़ाने के लिए जो कुछ कर रही हो उसे देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है। बेटी, हम तुम्हारे मामा हो, चाचा हो या कुछ भी ना हो, फिर भी हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे बाप को जेल से छुड़ाने के लिए हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। जाना राजा, इसके बापू के लिए अगर हमें अंदर भी जाना पड़ा तो हम इसकी भी परवाह नहीं करेंगे। चाचा जी। हाँ बेटी, हम अंदर हो जाएंगे लेकिन एक दिन तेरा बापू जरूर बाहर आएगा। लाख रुपए का अमेरिकन बाजा। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? मालूम होता कोई है आया। कौन है आया? ओह, आ? खाना अंदर रखा है, आप दोनों खा लीजिएगा। मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। राना, राजा उल्लू बना गई लगता है। ये गाड़ी, ये ठाट, ये जेवर, ये साड़ी, और हम लोग विक्टोरिया 203 की तलाशी लेते रहे। राना, मुझे यकीन है हीरे उसे मिल गए। मैंने तुझे मना किया था इस करोड़पति की औलाद को पार्टी में मत बुलाना, देख लिया नतीजा? हाँ यार, ये सारी बेशर्म लड़कियां उसकी खुशामद कर रही हैं। कौन? कहीं की राजकुमारी लगती है। लगता तो ऐसा ही है। हेलो। हेलो। मे आई हैव द प्लेजर ऑफ द स्टैंड्स विद यू? बाद में। हाय। कमाल है, आप सबको लिफ्ट दे रही है और हमें टाल रही है। मैं कहाँ टालती हूँ, आप खुद ही तो भागते हैं। आप सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। क्या
मुसीबत है। बहुत बेशरम आदमी मालूम होते हो तुम। अजी इश्क और शर्म का तो कोई वास्ता ही नहीं है। क्या मेरा मतलब है, आप पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? अपनी खुशी से आई थी और अपनी खुशी से जा रही हूँ। आपको कोई एतराज है? नहीं, लेकिन आप मुझे कब खुश करेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब है, आपके मिलने से मुझे बड़ी खुशी होती है। आप फिर कब मिलेंगे? कभी नहीं। अब बदतमीजी की माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका टेलीफोन नंबर क्या है? क्यों? क्योंकि मैं आपसे इश्क करता हूँ। क्या करते हैं? इश्क। वही ना जो आप बहुत सारी लड़कियों से पहले कर चुके हैं, इश्क। पर अब आपसे करता हूँ आखिरी बात। आप रहती कहाँ? अपनी दुनिया में। कैसा नाम तो बताते जाइए। सपना। हाय सपना। अरे ओ बाबू साहेब, इस बखत इधर क्या कर रहे हो? हाँ छक मार रहा हूँ। अकेले क्यों? क्या बात है, आज कोई साथ नहीं आई? अबे बकवास बंद कर, मैं लुट गया हूँ। किसी ने पॉकेट मार ली क्या? तू पॉकेट की बात कर रहा है या दिल कट गया? कटारी चल गई है, कत्ले आम हो गया है। अरे बाप रे बाप, सपना देखा है बाबू साहेब? सपना? तुझे उसका नाम कैसे मालूम हुआ? बोल। अरे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो बाबू साहेब, छोड़ो मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ हाँ पागल हो गया हूँ, जब से उसे देखा एकदम पागल हो गया हूँ। एक रोशनी, एक शोला चमका, एक बिजली गिरी और उसके बाद ब्लैकआउट। अरे बाबू साहेब, आज तक तो तुम सब दूसरों का ब्लैकआउट करते रहे हो, जरा ये भी तो बताओ वो कौन है जिसने तुम्हारा ब्लैकआउट कर दिया? हूँ गई थी कार में, आई है घोड़ा गाड़ी पर। गई थी लड़की बनके, आया है लड़का बनके। क्या रंग बदलता है जमाना नए नए। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? राणा जगाने वाला पूछता है जाग मतलब की बात। चाची जी पूछ इससे कहाँ गई? पूछ इससे वो लाख रुपए वाली मोटर कहाँ है? पूछ इससे वो जेवर कहाँ है जो पहन कर गई थी? पूछ इससे 3 करोड़ के हीरे कहाँ है? बोल बोलती क्यों नहीं? बोल वरना बर्तन बोल। झूठ कैसे बोलेगी? बोल। वो गाड़ी किराए की थी और जेवर सब नकली थे। हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाली मोटर कैसे चला सकती है? कैसे चला सकती है? एक अमीर के बेटे ने सिखाया है ना, इसलिए। हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक अमीर का बेटा गरीब की बेटी को मोटर चलाना क्यों सिखाएगा? क्यों सिखाएगा? क्यों? मुझे अच्छा लगता है। झूठ बोलती है। कैसे अच्छा लगता है? नहीं मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे चाहती हूँ। ये हो ही नहीं सकता। राजा ये हो सकता है? हो सकता है। मुझे ये कुछ इश्क और प्यार का चक्कर लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक अमीर लड़का गरीब लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। पूछ पूछ, वो तुझे चाहता है? हाँ बहुत, वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसी को तो आजमाने गई थी। फिर आजमाया? हाँ लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन उसको आजमाने के लिए मुझे मोटर, कपड़े और नकली जेवर किराए पे लेने पड़े, उसके 250 रुपए देने हैं। 250? अंग्रेजी में कितने हुए? 250। हिंदी में? 250। 250?
इतने रुपए तू कहाँ से लाएगी? मेरे पास 200 रुपए हैं, 50 रुपए अगर आप मुझे उधार दे दें तो। हाँ हाँ दे देंगे। 50 रुपए तो कुछ भी नहीं। अरे भाई ये तो बेटे की शादी का मामला है। लेकिन एक शर्त है। पूछ पूछ कि तू उस अमीर साहबजादे को जो कि शरीफ भी है पहले हम लोगों से मिलाई। पहले हम लोगों से मिला। अच्छा तेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 29 है। 29 27 मेरे पास 27 56 50 इसको दे देंगे, 6 अपने पास बचे बहुत हैं। आज के लिए काफी है। नहीं आज के लिए है। आज के लिए चाचा जी पप्पा 5 से 8 दे। अबे जल्दी कर 6 रुपए बहाने हो गए। अब साले क्यों इज्जत का भाजी पाला करते हैं? अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। असली हीरे की अंगूठी है, पूरे 10,000 की है। यकीन नहीं आता तो पूछ वाले पूछ ले। देखना तो भाई जरा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, इतनी कीमती अंगूठी दे रहे हो? अरे भाई क्या बताऊँ, जब से अंगूठी मेरे हाथ में आई है ना, तब से वो मेरे हाथ से चले गई। और जिसने अंगूठी दिया था वो भी चला गया। कौन था वो? अरे ये मैं तेरे को क्यों बताऊं दाढ़ी वाले बौखर, कि उसको किसी ने चाकू मारा था। अरे उसके वार्ड का नंबर 8, उसके खाट का नंबर 8, तारीख 8, खुद तो चला गया लेकिन मुझे फंसा गया मुसीबत में। थोड़ी और डाल डाल दे इसके पैसे भेज दूंगा। उस आदमी ने ये अंगूठी तुम्हें क्यों दी थी? अरे चिट्ठी रखने के लिए बूढ़ी बंदर के नौकर में, उसका भी नंबर 8 था। ये बात तुमने किसी को बताई नहीं? अरे बतानी पड़ गई मार के डर से दो साधुओं को। साधु किधर है साधु? मुझे छक्का लगा। इसमें आ गए तो फिर ये बता कि नशे में तूने जो चांद से कहा था वो सच है? आप 8 बाटली पानी मुझ पर फेंक चुके हैं, सामने 8 यमराज खड़े हुए हैं, आज की तारीख 8 है। अगर आप अपने घड़ी में देखेंगे ना तो 8 बजे होंगे। देखिए ये 8 नंबर मेरे लिए बहुत मनुष्य है। बकवास बंद कर, ये बता के 8 नंबर के लॉकर में जो हीरे रखे थे वो कहाँ है? हीरे? हीरे तो मैंने रखे नहीं थे, उसमें तो मैंने चिट्ठी रखी। चिट्ठी रखी थी तो चिट्ठी में क्या लिखा था? वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा तो बता के वो 2 बदमाश कहाँ है जिनको तुमने लॉकर और चाबी के बारे में बताया? मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, आपके बाप की कसम खा के कहता हूँ, उसके बाद वो लोग मुझे मिले ही नहीं। वो यूं नहीं मानेगा। कहता हूँ जल्दी बता। देखिए आपके पिस्तौल का नंबर मैं 8 होगा। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो सच बोल। सच बोल के तो मैं फंस गया हूँ। अच्छा तो सुनो नंबर 8। मेरा नंबर 6 है जी। अच्छा तो सुनो 6, अगर ठीक 6 दिन के बाद उन दोनों का पता लगाकर मुझे नहीं बताया तो ये 6 गोलियां हैं छलनी कर दूंगा। छलनी? शांत। यस बॉस, कमीने को ले जाओ, ठीक 6 दिन के बाद मेरे पास लाना। नमस्कार देवी जी। लड़की देखिए बस। देवी जी आपने मुझे पहचाना? पर आपके सेक्रेटरी था। राजा तू नहीं सुधरेगा। Thank you.
लड़की यहीं आई थी। अरे कहाँ? अरे ये क्या हुआ राजा? लड़की ने उल्लू बना दिया है? उल्लू नहीं कबूतर बना दिया। ये कबूतर खाना आप ही जैसे के लिए खास मैंने बनवाया है। ए, ए, राजा हा? ये तो वही है। अरे वही गंजा है जिसने खोपड़ी में चाबी फिट कर ली। तो मर चुका है। अरे उसे तो दफना दिया हम लोगों ने। ये वो है जो उस दिन उस बदमाश के घर था। कौन सा बदमाश? जिसके यहाँ रेखा गई थी। हो जहाँ हम शीशा तोड़कर छत पर से गए थे। हो और इसने उस बदमाश के माथे पर गोली मार दी थी। हो तो आप लोग उसी खून का पता लगाने आए हैं जिसके इल्जाम में उस लड़की का बाप जेल में। उसका बाप जेल में हो या जहन्नम में हमें क्या करना। हम तो उस लड़की के पीछे पीछे आए, झांका देकर हमें यहाँ ले आए। यार बड़ी पटाख। तुम कौन करते हो? तुम्हारी बहन है क्या? अरे वाह, पिंजरे में बंद है, पिस्तौल दिखाता है। राजा इन्हीं लड़कियों के चक्कर के वजह से तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। कई दफा मुझे भी तेरे साथ जेल जाना। तुझे मेरा साथ पसंद नहीं तो तू छोड़ दे, लेकिन लड़की के पीछे मैं जहन्नम तक जाऊंगा। अरे जहन्नम में तो ले आया, और कहां जाएगा? कुत्ता कहीं का। तूने मुझे गाली दी? हाँ गाली दी, कुत्ता कुत्ता सुअर। देख तो मेरा दोस्त है वरना तेरा खून पी जाए। चाचा बड़ा खून पी। तू अपने अल्फाज वापस लेता कि नहीं? हाँ ले लेता हूं। राणा तू जानता है कि मुझ पर हाथ उठाकर आज तक फिर जिंदा नहीं रहा। तू मेरा दोस्त इसलिए तक चुप था, लेकिन अब नहीं चुप रहूंगा। तेरा अल्फाज वापस लेता ही नहीं? नहीं। मैं आखिरी बार कहता हूं, अल्फाज वापस लेता या नहीं? नहीं। मैंने क्या किया? अरे ये मैंने क्या किया राना? राना अरे मैंने तुझे चुरा मार दिया रे राना। तूने मुझे क्यों गुस्सा दिलाया? राना उठ राना, राना उठ राना। अरे ये क्या किया तुमने? जान से मार दिया? छोड़ दो मुझे। इसने ठीक कहा था कि औरतों के चक्कर में मत पड़ो। ये नहीं उठेगा तो मैं भी जाता हूँ। मैं अपनी जान ले लूंगा। इसका मेरा क्या है? बच्चा, पीपी, पंछी। देखो मियाँ, इस लकड़ी के छुरे से कई लोगों की अजामत करके हम उन्हें गंजा बना चुके हैं। पर खुदार हम दोनों से मुकाबला नहीं कर पाए। मुकाबला? रिवॉल्वर कहाँ है? रिवॉल्वर पिंजरे के बीच में। पर गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत पैंतर बज है यार तू। बड़े जोर का करा था मारा साले ने। गंजा बड़ा सॉलिड है। अरे बिल्कुल जंगली भैंस है यार। हम नहीं लड़ते। नहीं लड़ते? सुनो भाई, जाते कहाँ हो? अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई। चल चल दाग से खून और उसका नाक फूट गई। समझा राजा, तेरे बॉक्सिंग ने बजा दिया इसका बाजा। अच्छा चल बॉक्सिंग नहीं देख। चल तू मेरे मदद कर। पहले लेफ्ट राइट। चल 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 लेफ्ट। बड़े जोर से मार दिया, सांस खत्म हो गई। चल राजा। राणा सांस ठीक हो गई? मेरी तो ठीक हो गई, इस गंजे की बिल्कुल चली गई। चल फिर अब तू शुरू हो जा। निकाल असली। तैयार? क्या बात। छेद दूंगा समझो। क्या चाहते हो तुम लोग? पूछो पूछ। वो लड़की कहां जिसका पीछा कर? राजा हम ये पूछने आए हैं कि उस आदमी का खून तुमने किया है जिसकी वजह से लड़की का बाप जेल में है? मैंने वो खून नहीं किया है। तुम झूठ बोलते हो। तुमने हमारे सामने उस दूसरे आदमी का खून किया है जिसके घर वो लड़की गई थी? हाँ, वो खून मैंने किया है। ये खून मानता, दूसरा नहीं मानता? क्योंकि वो खून मैंने नहीं किया है। फिर किसने किया है? जिसका खून मैंने किया है। क्या बोलता है? इसकी गर्दन उड़ा दे। राजा ऐसे लगता है कि वो खून किसी तीसरे आदमी ने करवाया जो इन सबका उस्ताद है।
अब तुम लोगों को अक्कल आ रही है। बोल कौन है वो? कौन? नाम बतलाने का मतलब ये है मेरी जान भी दो मिनट में उसी तरह चले जाएगी जिस तरह उन दोनों की गई। अरे गंजे, जान तो तेरी वैसे ही जाने वाली है, जिंदा तो तुझे हम भी नहीं छोड़े। सोच लो, अगर मैं मर गया तो राज मेरा साथ ही चले जाएगा, और जिंदा रहा तो शायद जुबान खुल सकती है, इसलिए तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। अरे तेरे ये पोपट नुमा नाक काट के तोतों को खिला दूंगा। राजा, ये ठीक कहता है। क्या ठीक कहता है? मार खाकर ये बोलने वाला नहीं। तूने ठीक कहता यार, ये गंजा बड़ा सॉलिड है। क्या बे, जबान खोलने का क्या लेगा, 1000 या 2000? बोल। 5000। होश में तो हो मिस्टर? याने? उस्ताद से गद्दारी करने का मतलब मौत। मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकता हूं, लेकिन कीमत ऊंची चाहिए, लाखों की बात करो। राजा, ये पागल हो गया, तू सौदा कर। देखो मिस्टर, लाख तो क्या, हमारे पास तो 1000 भी नहीं। सीधी तरह से उसका नाम बता दे, मैं तुम्हें राजा नहीं हूं, चाकू घूम दूंगा। समझा? क्या राणा, क्या 1,00,000 रुपए दिए? तुम दिए? बोल। ये तो बहुत कम है। कम है? अच्छा 2,00,000? अरे राजा, ये भी कम है। आखिरी बोली 5,00,000। मंजूर। तू मिला हाथ में? परसों रात को 12 बजे पुरानी किले के खंडर में रुपए लेकर पहुंच जाना, वहां उस्ताद का नाम बता दूंगा। और सुनो, 100-100 का नोट चाहिए और कैश चाहिए, दरवाजा उधर। अच्छा सेंडर, यार ने 5,00,000 की बोली दे दी, नहीं तो कीमा बना देता, समझा? चलना है। अच्छा अच्छा, लाखों पत्ता का बेटा बोली देने वाला, जहां देखो उधर देना मार वाले। शेट्टी 5,00,000 में बिक गया। अच्छा? हाँ। शेट्टी भी? बस 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 बस, आज अपनी रोटी यहीं पर है। अरे बहुत देर हो गई, जा तू सीधे घर चली जा। अरे घर क्या जाऊं मुरली भैया, आज तो कोई धंधा ही नहीं हुआ। अरे वो रईस का लड़का नहीं मिला? पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहीं नजर ही नहीं आया। जब तू उसे इतना प्यार करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? ये घोड़ा गाड़ी कब तक चलाएगी? शादी कैसे करूं, वो तो मुझे लड़का समझता है ना। मगर तू तो उसे सपना बनकर मिलने गई थी ना। सपना बन के गई थी, कोई रेखा थोड़ी। अगर मुझे गरीब समझ कर उसने इनकार कर दिया तो? उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता। कान पकड़ कर उस साले को लेके आऊंगा, तू फिक्र ना कर, ये बात मेरे पे छोड़ दे। जा तू सीधे घर चली जा। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। कोई है? कौन है? वही बाल, वही आंखें, वही नाक, वही गर्दन, वही कमर और वही रेखा। गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते, उन्होंने कहा था कि मंगल की दशा में सीधे पूरब की ओर चलते जाना, वहां 14 नंबर मकान के बाहर एक विक्टोरिया खड़ी होगी जिसका नंबर होगा 203, और उसके पास तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी किस्मत की रेखा। कौन हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब शादी तुम्हारी और मेरी। सारी तैयारी करके लाया हूँ, ये देखो निमंत्रण पत्र भी ले आया हूँ। बोलो कौन सा साइज पसंद है? पागल तो नहीं हो गए हो? किसकी शादी, कैसी शादी? अरे भाई हमारी शादी, तुम समझती क्यों नहीं, मैं कोई अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से, तुम गलत घर में आ गए हो। मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है कि मेरी शादी होगी और तुम्हारे साथ होगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। हाँ ये तो और भी अच्छी बात है,
अरे 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 रेखा, ओ रेखा, मैंने देखा। राजा छीने दे यार। दारू छोड़, पहले ये सोच के 5 लाख रुपया कहां से आएगा। अरे वही तो सोच रहा हूँ, सिर्फ एक ही दिन रह गया राणा। एक गंजा साला चाबी देके मर गया, दूसरा 5 लाख मांगता, ये गंजों ने तो मुसीबत कर रखी यार। हाँ वो तो फिर आया। इस मुसीबत का हल भी कोई गंजा ही करेगा। क्या बकता है? बकता नहीं, सुन, ये जितने करोड़पति होते ना सब गंजे होते हैं। अरे तू नहीं, किसी ऐसे करोड़पति की तलाश करें जिसका एक ही बेटा हो, समझा? एक ही बेटा। समझा। आवाज नहीं निकले। अगर जिंदा रहना चाहते तो जो हम कहते हैं वही करो। मुझको इस महल में कहाँ ले आए? महल राजा शहर है, इसको तो ही जवाब दे। शहर ही जवाब देता हूँ। अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, तुमको हाले दिल सुनाने लाए हैं। राजा चल इसको बेडरूम दिला दे। बेडरूम? अरे चल ना। इस महल में जब हम तुम्हें हाले दिल सुनाएंगे तो हाले दिल हो जाए। राणा। राजा। बेटा रईस का मगर जंगजू भी है, दौलत के साथ साथ लड़ाई की खूब। तुम शायद सिर्फ इतना जानते हो कि मैं रईस का बेटा हूं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन भी हूं। राणा। राजा। मिडिल वेट ये बीच वाला। राजा जा, बोल के दिखा दूं। हाँ जा, ले मैं पकड़ू। जा तेरा हाथ जरा भारी पड़ेगा। अरे मिडल वेट चैंपियन, मानते हो शिकायत? राजा शिकस्त तो पता नसीबों से है, मगर है दोस्त मुकाबला तो दिले नातमान ने खूब किया। राजा बजा दूं इसका बाजा। बजा दो, बजा। अपना ही बच गया। दो हाथ में दो चल जाएगी जरा उसमें। दूर राजा, ये तो हम गलत आदमी को पकड़ लो। अरे बिल्कुल गलत। जाओ जाओ जाने दो, चलो जाओ चलो। अब कौन हो तुम? हम कोई भी हो, तुम इससे क्या? तुम जाओ, मैं जाओ, तो तुम जाओ। मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? याद नहीं राजा, तुझे याद है? राजा मुझे भी याद नहीं। जवाब दो। क्या जवाब दे यार? दो बंदूक, दोनों हाथ में दो बंदूक। एक इधर चल गई तो पीछे हटा दे उसे। तुम ठीक है, अब जवाब तो बोला। मेरे जवाब सुध रही नहीं। बात दरअसल ये है कि तुम एक रईस के बेटे हो और हमें रुपए की सख्त जरूरत थी। 5 लाख? हाँ 5 लाख रुपए की जरूरत थी, तो हम तुम्हें इसलिए यहाँ पकड़ कर ले आए। तुम्हारे बाप से 5 लाख रुपए वसूल कर ले, बस और कोई खास बात नहीं है। हंस नहीं चल बात है, हो जाओ। हाथ चोर हो भाई, बड़े घटिया किस्म के चोर हो तुम। दोनों हाथ में दो पिस्तौल, की कोई भी किसी को गाली दे सकता है। घटिया तुम होगे, हम तो 21 बार जेल काट के। अरे इसीलिए तो घटिया कह रहा हूँ, हर काम छोटा किया लगता तुम लोग। चाची हम लोगों ने बोल, 1 करोड़पति के बेटे की कीमत सिर्फ 5 लाख? अरे हमें चाहिए सिर्फ 5 लाख। हम बेईमान नहीं, हमें 5 ही लाख चाहिए बस। लेकिन मुझे भी 5 चाहिए। क्या मतलब बोल? तुम लोग मेरे बाप से 10 लाख रुपया मांगोगे, जिसमें से 5 तुम्हारा और 5 मेरा। ये कह रहा है आपसे 10 लाख रुपए लो
5 लाख अपने पास रखो, 5 लाख उसे दो, ये मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने दारू नहीं पी। राजा मैं तो दारू बिल्कुल ही नहीं पीता, इसलिए मेरी तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आया। फिर पूछे पूछे। चलो बरकरदार, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ये हम दोनों के दिमागे शरीफ में नहीं आया। मेरे, अरे बड़ी सीधी सी बात है, मेरे बाप के पास करोड़ों रुपए, लेकिन वो है इतना कंजूस कि मुझे भी पैसे खर्चने को नहीं देता। राजा ये तो बिल्कुल वही बात हुई, बदल कर फकीरों का हम भेस गाले, पहले तमाशा के देखते हैं करम। वे, तुमने तो गालिब साहब का भी बता दिया बाजा। मैंने गलत कहा? नहीं, अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा। ये तो बात बात पर डांट देते हो, ऐसे तमाशे तुम रोज देखोगे। बोलो मंजूर है सौदा? राजा ओ बच्चा पी पी पंची पी। हम दोनों से मुकाबला नहीं कर पाओगे। रफा बरकरदार, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम आदमी जरूरत से ज्यादा खतरनाक। इसलिए जब तक तुम्हारे बाप से हमें 10 लाख रुपए नहीं मिल जाते, ये दोनों पिस्तौल हम दोनों अपने पास रखेंगे। ठीक, पिस्तौलें तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम्हारी बात का क्या है तुम्हारा? बरकरदार, हम अमीर नहीं है लेकिन ईमानदार जरूर है। क्यों राजा? बिल्कुल ठीक। बेडरूम कहाँ? बरकरदार, तुम्हारा बेडरूम तैयार है, खाना तैयार है और दारू भी तैयार है। राजा तुम इसकी अच्छी तरह खातर तवाजा करो, और मैं जरा टेलीफोन पर बजा कर आता हूँ इसके बाप का बाजा। सुनो मेरी गाड़ी ले जाओ। राजा उन शरीफ है अपने जैसा। हेलो, आपका बेटा हमारे कब्जे में है, कल सुबह तक अगर आपने 10 लाख रुपए अदा न किया तो आपका बेटा कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस को इत्तला करने की गलती ना कीजिएगा, कैश रेडी रखिए। रुपया कहाँ पहुंचाना है इसके लिए मैं ठीक 1 घंटे के बाद आपको फिर फोन करता हूँ। फिर आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि आपको रुपए नहीं मिलेंगे। तो कान खोलकर सुन लीजिए, हमें मजबूरन आपके लड़के का खून करना पड़ेगा। कर दीजिए। हेलो सेठ जी, मैं जानना चाहता हूँ आपने जो कुछ भी कहा है अपने होश में कहा है? मैं अपने होश कभी नहीं खोता। सोच लीजिए सेठ जी, दौलत दोबारा मिल सकती है लेकिन औलाद नहीं, वो आपका इकलौता बेटा है। मेरा कोई बेटा नहीं है, और आप जिसे मेरा बेटा कह रहे हैं उसकी मौत का सबूत देकर मुझसे 20,000 रुपए ले जाइएगा। अरे वाह, क्या मेरी की झलक आ रही है तुम्हारे? क्या हुआ? एक मिनट मेरी बात सुनिए, बरकरदार तुम बैठ, बैठ बैठ। क्या हुआ भाई? हाँ नहीं था, सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या? न तो रुपया मिला है और न मिलने की उम्मीद है। क्योंकि वो तो बड़ा अमीर है, वो शाखी ना रही जिसपे आशियाना था। तुम शायरी मत करो, बात कहो क्या है? बताता हूँ बताता हूँ, वो कहता है कि अगर तुम उसे मारकर उसकी लाश का सबूत मेरे पास ले आओ तो उल्टा 20,000 रुपया मुझसे ले जाओ। औलाद? हाँ, ये उसकी औलाद ही नहीं है और ना वो इसका बाप है। नहीं उसे कह देता। नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं बताएंगे वरना उसका दिल टूट जाएगा। हाँ बेचारा, तुम कुछ करो ना। नहीं, जा बरकरदार, तुम आजाद हो। जाता हूं लेकिन मेरा हिस्सा जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे बाप ने रुपया देने से इनकार कर दिया। क्या ये कैसे हो सकता? तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हारी कैद में हूं? बताया था, और यह भी बताया था कि अगर रुपया ना मिला तो बेटे की जगह उसकी लाश मिलेगी।
ये क्यों नहीं कहते कि इतनी बड़ी रकम देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई है, इसलिए तुम दोनों उस कोने में खड़े खुसर फुसर कर रहे थे। मैं सब समझता हूँ बेटा, लाओ निकालो मेरी रकम। कह दिया ना उसे रकम देने से इनकार कर दिया। तुम चुप करो। बाप इतना भी नहीं कर सकता। वो इसलिए कर रहा है कि वो तुम्हारा बाप नहीं है। क्या कर रहा है? तुम बैठ जाओ। और उसने ये भी कहा है कि अगर तुम मेरे बेटे की मौत का सबूत ले आओ तो 20,000 रुपया मुझसे ले जाना। तुम क्या समझते हो? तुम जैसे छोटे चोरों की बात एडवाइस कर लूंगा तो जाओ, जाकर पूछ लो अपने साहूकार बाप से, जिसने कहा है कि तुम उसके बेटे नहीं हो। जाओ, जिसने साफ कह दिया है कि तुम उसके बेटे नहीं हो। नहीं कहना था राणा, नहीं कहना था। राजा, कहना तो नहीं चाहता था, पर खुदार तुमने बेईमान कहकर हमें सब कुछ बता देने पर मजबूर कर दिया। ये सच है कि आप मालिक के बेटे नहीं हैं? तो मुझे यहां कौन लाया? मैं। क्यों? मालिक को औलाद की जरूरत थी। उनके बाप ये वसीयत कर गए थे कि अगर औलाद नहीं हुई तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाएगी। मेरे मां बाप कौन है? मैंने आपके बाप को सिर्फ एक ही बार देखा। कहां? एक दिन शाम को दिल्ली के कंपनी गार्डन में वो आपको घुमाने लाए थे। जी तुम्हें कभी भी नजर आ जाए तो मुझे उनसे मिला देना, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम चौंकिए मत पिताजी, मैं अभी तक जिंदा हूं। आपके 10 लाख भी बच गए और 20,000 भी। क्या बकते हो तुम? दुनिया भी कितनी अजीब जगह है पिताजी, जिन्हें हम चोर गुंडा और बदमाश कहते हैं वो इंसानियत के लिए दौलत को ठुकरा देते हैं, और जिन्हें हम नेक शरीफ और बाइज्जत कहते हैं वो दौलत के लिए बच्चे को अपने बाप से अलग कर। कुमार! और आज तो बदमाशों की वजह से आपकी दौलत बच गई और मेरी जिंदगी। सेठ दुर्गादास जी, गुड बाय। ये भी नहीं। रेखा बेटी, खाना तैयार है। बड़ी भूख लगी है। एक करोड़पति के यहाँ दावत थी। बड़ा कमीना था, साले ने भूखा मार दिया। मुन्नी पढ़ रही है। मुन्नी के लिए दीदी ने मास्टर बन दिया है। मास्टर जी, मुन्नी को ठीक तरह से पढ़ाना, बड़ी होकर कलेक्टर बनता बन जाएगा। यहाँ का आपकी तरह से बच्चों को पढ़ा दी है। तुमने मास्टर जी मैट्रिक बैठक साथ करने बता, लगता बच्चे हो यार। बोलो राजा, राजा फिर बज गया बाजा। ठहरो, क्या ठहरो? कौन बनता है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये हम तुमसे पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो? रेखा बेटी, तो तुम कब से जान? चाचा जी, हाँ? ये वही है जिनके बारे में मैंने आप दोनों को बताया। ओहो, ये मेरे चाचा जी हैं और ये मेरे मामा। हाँ, हाँ। चाचा जी, हाँ। मामा जी, भाई, 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 भाई। थोड़े ही दिन हुए अफ्रीका से आए हैं। वेस्ट अफ्रीका? अफ्रीका में कितने साल थे आप लोग? कितने राजा, कितने साल थे? मुझे याद नहीं, तू बोलो। याद तो मुझे भी नहीं। बेटी क्या उम्र है तेरी? 21। ये छोटी सी थी। 18-19 साल। बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब तुमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा? लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जेल का नाम अफ्रीका कब से हो गया? ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये अफ्रीका से नहीं जेल से छूट कर आ रहे। कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल झूठ।
झूठ नहीं सच है। 5 लाख रुपए वसूल करने के लिए ये मुझे पकड़ कर ले गए थे। पूछ लो इनसे, बोलो जवाब दो। बरखुरदार, ये ना भूलो, हम तुम्हें मारकर 20,000 रुपया वसूल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। सुनो बेटे, ये बात सच है कि न हम तुम्हारे मामा है ना चाचा, और ये भी सच है हम अफ्रीका से नहीं जेल से छूट कर आए हैं। जब हमें ये पता चला कि तुम्हारी विक्टोरिया में 3 करोड़ के हीरे छुपा दिए गए हैं। क्या, 3 करोड़ के हीरे? हाँ, तो हम चाचा और मामा बनकर तुम्हारे घर आ गए। तुम्हारी विक्टोरिया के हमने कोना कोना छान मारा, वो हीरे हमें कहीं नहीं मिले। हम वापस चले जा रहे थे, लेकिन जब हमें ये मालूम हुआ कि एक बेसहारा और कमजोर लड़की अपने बेगुना बाप को जेल से छुड़ाने के लिए अपनी जान पर खेल रही है, तो इंसानियत ने हमारे पांव पकड़ लिए। 2 दिन पहले हमने एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला है जो ये जानता है कि वो खून किसने और क्यों करवाया, जिसकी वजह से आज तुम्हारा बाप जेल में है। लेकिन वो आदमी मुंह खोलने की कीमत मांगता है, 5 लाख रुपए। बरखुरदार, इसीलिए हम तुम्हें पकड़ कर ले गए थे कि तुम्हारे उस जलील करोड़पति बाप से 5 लाख रुपए वसूल कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। आज रात को 12 बजे वो आदमी हमें पुराने किले के खंडर में मिलने वाला है। 5 लाख तो क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम घबराओ नहीं बेटी, हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। क्यों राजा? बिल्कुल, दुनिया ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, लेकिन हम तेरे बाप को तुझसे जुदा होने नहीं देंगे। पुलिस, पुलिस! राजा साहब नीचे आइए। राजा, क्या पी रहे हो? गर्म पानी पी लिया। नीचे और राणा साहब आप भी सामने आइए। राजा आ गया ना, तुम भी आओ। आ गए, क्या है? क्या है? मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों? हमें इत्तला मिली है कि 3 करोड़ के हीरो की चोरी में तुम दोनों का हाथ है। ये सब पुलिस स्टेशन चलकर बताना। ऐसा नहीं जाते। क्यों जाए? नहीं जाते। ये क्या? ये रहा तुम दोनों की गिरफ्तारी का वारंट, पढ़ लो। मुझे पढ़ना नहीं आता, इससे पढ़ाओ। लो है? राजा, ये तो जाना ही पड़ेगा। चलो बैठे साथ, 1 मिनट। ओके, देखिए तकदीर भी क्या खेल खेलती, जब हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे तो ये पुलिस वाले मजबूर हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप दोनों को हमेशा गलत समझता रहा है। कोई बात नहीं बेटा। बेटा कुमार, अब तू ही इस बेसहारा का सहारा है। हम दोनों को वचन दे कि तू इसे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे आज अगर मेरा बेटा बड़ा होता वो भी तेरे ही जितने होता है। मिस्टर राणा, चल चल राजा, चल मिस्टर राजा। आया, चल डॉक्टर साहब, इन दोनों को तो मैं भूल ही नहीं सकता। एक तरफ से इसने मारा था और दूसरी तरफ से इसने। डॉक्टर साहब ये झूठ बोलता है, हम दोनों बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन न हो कि अरबदा जेल के जेलर साहब से पूछ लीजिए, जिन्होंने अच्छे चाल चलन की वजह हमें 2 महीने पहले छोड़ दिया था। भला हीरो से हमारा क्या वास्ता? इंस्पेक्टर साहब एक्टिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ले जाओ इन दोनों को, बंद कर दो। खैरिये एसपी साहब, आप इन्हें बंद नहीं कर सकते। राजा और राणा मेरे क्लाइंट्स हैं। जिस वक्त हीरो की चोरी हुई थी उस वक्त ये दोनों जेल में थे। मैं इनकी जमानत लेकर आया हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है। इंस्पेक्टर साहब मैं छुड़ी बाहर निकल के मुझे मारेंगे। राजा, भगवान ने अपनी किस्मत में गंजे लिखे। पहला वो गंजा मिला था वो मोटर में भरा हुआ, और वो दूसरा गंजा मिला था पिछड़े वाला, 5 लाख रुपए मांगता था। लेकिन एक बात है, ये गंजा तो बिल्कुल फरिश्ता है। अरे गंजा फरिश्ता। चलिए बैठिए। लेकिन जाना कहाँ है? आपको सेठ ने याद किया है। सेठ ने? कौन से सेठ ने? इधर भी लगा दिया। क्या करें फिर? बच्चा यहाँ नहीं, अरे 6 गोली मरी हुई है, भरा हुआ है ना।
नंबर के लॉकर में तुम्हें क्या मिला? देखो सेठ, हम सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उसमें एक टुकड़ा था। टुकड़ा? वो टुकड़ा, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा, इतना कागज का। क्या लिखा था उसमें? सेठ जी, उसमें लिखा हुआ, तू कोई पढ़ा लिखा है? हाँ तो तू बोल दे। मैं तो खाली लिखा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। नहीं नहीं, हीरे कहाँ है? अरे हीरा लाल की बात कर रहे हैं। हीरा लाल की बात कर रहे हैं। वो कब का मर गया? जेल में। जेल में मर गया, दफनाया है उसे। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हीरे तुम लोगों को मिल चुके हैं। नहीं सेठ, तुम्हारा दिमाग खराब है। हमको हीरे मिल गए होते तो हम यहाँ होते। अरे, हम सिंगापुर होते। मैं हांगकांग होता। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इन लोगों को हमारे मेहमान खाने में ले चलो। क्यों मेहमान खाने में? क्यों क्यों मेहमान खाने? खातिर करनी है आपको। आधा मिलेगा, अड्डा नहीं पूरा मिलेगा। अरे चलो। शेट्टी जा रहे हैं तो उसको खत्म कर दो, और उसके साथ उन दोनों को भी, और 5 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ। हीरे इस विक्टोरिया में तो नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। दया करो भगवान, जिस विक्टोरिया से हम सबको हमारी रोजी मिलती है, क्या उसी से बापू को रिहाई नहीं मिल सकती? मुझे 3 करोड़ के हीरे नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बापू की रिहाई चाहिए, सिर्फ उनकी आजादी चाहिए भगवान, सिर्फ आजादी चाहिए। दीदी दीदी, इसका क्या मतलब है? Oh God, lead me from darkness to light. बताओ ना दीदी, तो मेरा इम्तिहान है। मैं बताता हूँ मुन्नी, इसका मतलब है, हे भगवान, मुझे अंधेरे से रोशनी में ले चलो। चल जाओ। हे भगवान, मुझे अंधेरे से रोशनी में ले चलो। सुनी रेखा, एक एक हीरे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी। मुनि तू जा सो जा। देखो 12 बजे हमें उस आदमी को पुराने के लिए खंड में मिलना है। ये हीरे अपने पास रख लो। नहीं ये ठीक नहीं, 3 करोड़ के हीरे घर में रखते हुए मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात है, दुकान हमारे पास बात नहीं है, 11:30 बज गए हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि आज रात के लिए हीरे उसी बत्ती में रख देते हैं जहां से आज तक किसी को नहीं मिले, बाकी सुबह देखेंगे। ये लो पकड़ो। और ये? ये अपने पास रखो। ये तो सेठ का लड़का।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुमार साहब? तुम मुझे जानते हो? अच्छी तरह। हम तुम्हें से मिलने आए हैं, लेकिन मुझे किसी और का इंतजार है। आदमी बदल गए हैं लेकिन सौदा नहीं बदला। कैसा सौदा? मैंने कोई सौदा नहीं किया। ठहरो। तुमने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे, मैं उससे कहीं ज्यादा देने को तैयार हूं। ये देखो। हमें भी वही इतला चाहिए। बताओ, मेरे बाप को जिसके खून के बदले में उम्र कैद मिली है, उसका असली खूनी कौन है? ये हीरा आपको कहां से मिला? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने नहीं आया, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, जिसकी मैं तुम्हें कीमत दे रहा हूं। बोलो, कौन है वो आदमी? से पहले कुछ कहा इसने? हाँ। क्या कहा? सेठ तुर्कादास। क्या? सेठ तुर्कादास। आग बड़ी गर्म होती है यार। सेठ जी ने कहा था कि मेहमान खाना रही है तो कबाब बनाने का कारखाना है। अरे दादा, ये कबाब बनाने का कारखाना नहीं, ये गंजा बनाने का कारखाना है। तुम लोगों को 5 मिनट और दिया जाता है, उसके बाद तुम लोगों को उल्टा लटका दिया जाएगा। तब गंजे जरूर बन जाएंगे। राणा, वो गाना याद है तुझे? बत्ती हम दोनों ने देखी, ऊपर नहीं देखा। बक बक मत कर, समझ गया। चुप कर, चुप कर, चुप कर। क्या बात है? क्या बात है? शेट्टी को तो हमने खत्म कर दिया। और इन दोनों को छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि उनमें से एक आपका बेटा कुमार था। बेवकूफ, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हें उनको भी खत्म कर देना चाहिए था। सर, उन्हीं के पास एक कीमती हीरा था। मुझे यकीन है कि वो उन्हीं हीरो में से एक था। उन्हीं में से एक है, लेकिन हीरे कुमार के पास कैसे आए? तुम लोग जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम लोगों के पास हीरे नहीं, नहीं। तुम लोगों को खोल दो। खोलो जल्दी, और इन्हें सिंगापुर भेज दो। अरे छोड़ो ना, चल रहे ना, काटने आ दो। ये समंदर में जाती है ना? हाँ हाँ। और ये बहुत छोटी मोटा बोट है। अरे राजा तेज जाएगी, चल चल बैठ जा, नहीं तो उन्होंने तंदूरी मुर्गा बना देना था। चल तू बैठ, मैं मोटर स्टार्ट कर। अरे ये क्या है? अरे राजा, पानी कुछ ठंडा है। पानी? अरे हम लोग तो मोटर बोट में हैं। अरे हाँ, मुझे भी ठंडा लग रहा है। अरे क्या हुआ राजा? अरे मोटर में छेद हो गया। बचाएगा, हम दोनों को बचा।
चाले भगवान अल्लाह खुदा जो भी तेरा नाम, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, चोरी नहीं करूंगा। अच्छा चुप, दारू की बोतल कहाँ है? दारू का मरते वक्त पीऊंगा। चुप कर, दारू की बोतल कहाँ है? नहीं पीऊंगा। बोतल कहाँ है? ये अरे इसको फेंक हाथ से, कौन जल्दी जल्दी कर, चल रहे चल रहे। अगर आप पुलिस स्टेशन गए तो रेखा को खत्म कर दिया जाएगा। क्या? रेखा सेठ जी के कब्जे में है, उन्होंने आपको बुलाया है। जल्दी कीजिए। वेलकम कुमार। रेखा कहाँ है? हीरे कहाँ है? मैं पूछता हूं रेखा कहां है? कुमार, प्यार में अंधे न हो। तुम 2 महीने के थे जब से मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर खुशी पूरी की है मैंने। अगर अब भी तुम बता दो कि हीरे कहां है, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए अब भी तैयार हूं। सेठ दुर्गादास जी, रेखा कहां है? Oh my God, this... कुमार, मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं, बता दो हीरे कहां है? रेखा कहां है? शायद तुम भूल रहे हो, मेरा नाम सेठ दुर्गादास है। मेरी जबान भी मेरे सामने जबान खोल देते हैं। सीधी तरह से बताओ, हीरे कहां है? वरना ये हीरे तुम्हें कभी कभी नहीं मिल सकते। ये देश की अमानत है और देश के पास वापस जाएंगे। शुक्र है भगवान का कि मेरी रगों में तुम जैसे गंदे आदमी का खून नहीं बह रहा। और अगर मैंने तुम्हें फांसी के तख्ते पर ना लटकाया तो मेरा नाम भी कुमार नहीं है। बस बोलो कहां है रेखा? मजनू साहब, अच्छी तरह से देख लीजिए अपनी लैला को। सदर, कुमार, अगर 30 सेकंड में तुमने यह ना बता दिया कि हीरे कहां हैं, तो रेखा को खत्म कर दिया जाएगा।
हीरे रेखा की विक्टोरिया के बाय लैंप में है। मुझे नहीं पता कुमार, हीरे कहां है? नहीं, नहीं, नहीं। कुमार, मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूं, बता दो हीरे कहां है, वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। अब हमें चांस दीजिए, हम इसका सीख कबाब बनाएंगे। हाँ। तुम दोनों अभी तक जिंदा हो? हम मरे कब थे और न कभी मर सकते हैं। मैं सिंगापुर से लौट आया, मैं हांगकांग से लौट आया। सर जी, हीरे इसी के पास है। ये बहुत चालाक आदमी है, इसने आपको भी उल्लू बनाया और हमको भी उल्लू बनाया। बोल, बोल कहाँ है हीरे? चाचा जी, मामा जी। सर जी, अगर हम आपको हीरे दिलाते हैं तो आप हमें कितना देंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आधा हमारा आधा इनका। हाँ, वो सौदा पक्का, सौदा पक्का। चलो 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 चलो। ए बोल, हीरे कहाँ है? हीरे लैंप में थे, वहां से किसी ने निकाल दिए। इसने ही निकाले होंगे? हाँ। इसके तो बाप को भी देने पड़ेंगे। देख, तेरा कोई बाप नहीं है और जिसका बाप नहीं हो तो उसको मारने का सबको होता चौराना। हाँ राजा, बता दे हीरे तूने कहाँ छुपाए। बता, हीरे तूने खंडर में कहाँ छुपाए? हाँ, खंडर में। बता दे, देख अगर तू बता देगा तो हम इस लड़की को छोड़ देंगे। हाँ, तू बता देगा तो पहले हम इस लड़की को छोड़ देंगे। पहले रेखा को छोड़ दो। ठीक है, खोल दो इसे। अब बता हीरे कहाँ है? हीरे खंडर के अंदर वाले कमरे में है।
सेठ जी, हीरे खंडर में है, हीरे खंडर में, अंदर वाले कमरे में, अंदर वाले कमरे में। चलिए इसको छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दो, चलो 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 यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। सवाल करते सर साहब, आपको हीरे कैसे मिलेंगे? हीरों के लिए मैं और कुमार जाएंगे, और अगर हीरे न मिले तो इसे बहुत जिंदा दफन कर दिया जाएगा। कमाल कर रहे हैं आप, आपका बेटा है। लेकिन सेठ जी, ये धोखा है, आप अब हमारे पार्टनर हैं। क्यों राजा? बिल्कुल, आपने हाथ में हाथ मिलाकर चुप रहो। सौदागर, सौदा हमसे गागर काय के लिए? इन लोगों की खातिर अच्छी तरह बात है। अरे अरे अरे, चलो इसे। सेठ साहब यहाँ ठहर जाओ, उनसे कह दे हीरे वहां नहीं आए। सेठ, हीरे हमने छुपा के रखे हैं, आजा वापस। हमने छुपाए, आओ। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम लोगों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है, मगर ये जरूर जानता हूं कि तुम दोनों पल्ले दर्जे के बदमाश हो। हीरे कहाँ है? कहाँ ना सेठ साहब, वहां नहीं है, हम लोगों ने छुपाए हैं। कहाँ छुपाए हैं? कह दो दिया भाई, नहीं है, हमने छुपाए हैं। बता देना राणा, तू बता दे, तूने छुपाए, तूने छुपाए। अभी पता चल जाता है किसने छुपाए थे। सौदागर, गागर, इन दोनों कमीनों को इतना मारो इनकी हड्डियां मोम बन जाए। क्या फायदा होगा? शेर का बच्चा लगता है। Thank you.
अंदर लग जा वक्त आ गया है। अरे बोलना कुछ। मैं बोलूं? सेठ जी, मुझे याद आ गया, हीरे कहां है? कहां है? मेरे पास। मेरे पास? हाँ, मेरे पास। पहले क्यों नहीं बताया? अब भाई है अकल, कहां है वो हीरे? राजा देख, अब सेठ जी से हम नहीं लड़ सकते। ये देख कितने गंजे हैं, मार मार के बुरा हाल कर दिया। अरे 3 करोड़ की हीरे ऐसी दे दूं? अरे जान सलामत रही तो हीरे और मिल जाएंगे। जल्दी निकल, जल्दी कर, मार कमीने के मत। ठीक कहा। अरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे हाथ क्या, 3 करोड़ों के लिए किसी की भी नियत कांप उठेगी। ये देख। एक हीरा 10-10 लाख का देख। हाँ, तेरा मतलब ये है कि अगर ये एक एक हीरा इनमें से एक एक आदमी को मिल जाए तो उनकी जिंदगी बन जाए। लेकिन इनकी किस्मत में कहाँ? हाँ, तो माल को माल खींचता है। अरे हाँ, इनको तो 200-200 रुपए मिलेंगे। नहीं मिले। पको मत, हीरे हमारे पास लेकर आओ। संभाल के हटो भाई, हटो। लगे 10-10 लाख का है। मवाली थे, मवाली थे। तो जब सिकंदर का दुनिया में खाली हाथ तो गया। छी छी छी। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। ये तो मैं कहना चाहता था। लेकिन सेठ तुम अफसोस मत करो, दौलत देखकर जैसे तुम्हारी नीयत खराब होती है ना, इसी तरह हीरे देखकर तुम्हारे नौकरों की नीयत खराब हो गई। यही मैं कहना चाहता था। देखो सेठ, कुछ भी कहो, तुम्हारे नौकर है बेवकूफ एकदम। कह दू? कह दे। तू कह दे। तुम्हारे नौकरों को असली और नकली हीरो की बिल्कुल पहचान नहीं है। वो हीरे नकली थे, असली हीरे देखना चाहते हो? हाँ बोलो, असली हीरे देखोगे? हाँ असली हीरे। राजा दिखा दे। जरा होश में आ जाऊं। आ जा। दारू। इडियट। ये तो अभी पता चलेगा कौन इडियट। राजा जल्दी। हाँ सेठ, तुम्हारे जो विलायती दारू थी ना, उसमें कोई दम नहीं। बिल्कुल नहीं, इसलिए तो इतनी देर लड़ते रहे। जल्दी करो हीरे बताओ। आप हीरे नीचे। सेठ, तुम बड़े सेठ हो ना, लेकिन अंगूर की पियोगी, मैं हीरे की पीता हूँ। राजा है ना, नाम का भी और दिन का भी। अब खेल खत्म होगा, सीधे पुलिस स्टेशन चले चलो।
लड़की के बाप को बाहर निकलवाना है और तुम्हें अंदर करवाना है। चलाओ नहीं तो गोली चल जाएगी। ठहरो, कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं लेगा। जग्गू, पिस्तौल फेंक दो राणा साहब और हीरे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा इकलौता बेटा खत्म कर दिया जाएगा। बेटा? किसका बेटा? शाबाश जग्गू। मैं सच कह रहा हूं, मिस्टर रामलाल चौहान कुमार तुम्हारा ही बेटा है। इतना सही नाम कैसे जानता है? तुम्हें याद है वो इतवार का दिन जिस दिन तुम अपने नन्हे बच्चे को बाग में घुमाने ले गए थे? तुम दूध की बोतल धोने चले गए और मैंने बच्चे को गायब कर दिया क्योंकि सेठ जी को बच्चे की जरूरत थी। यह है वो सबूत। रामलाल जल्दी करो, पिस्तौल मेरी तरफ फेंको वरना। मैं जानता था जग्गू, सारी दुनिया नमक हराम हो सकती है मगर तुम नहीं। मिस्टर राजा, हीरे मेरे हवाले कर दो। लाओ मुझे दो। रुक जाइए सेठ जी, ये हीरे आपको नहीं मिलेंगे, ये हीरे मेरे हैं। क्या कहा कमीने? राजा, हीरे मेरी तरफ फेंक दो। चिल्लाता क्यों है यार, जमाने के बाद मेरे दोस्त को उसका खोया हुआ बेटा मिल गया। अरे हीरे तो क्या, आज जान भी मांगे तो हाजिर है। ले। कुमार लड़की को लेके आगे जाओ। बाप को बेटे से अलग करने पर आपको 1 करोड़ रुपए की दौलत मिली और बाप को बेटे से मिलाने पर मुझे 3 करोड़ रुपए की दौलत मिली। कितनी अजीब बात है। बाय बाय सेठ जी। अरे कमाल हो गया सेठ जी, नौकरी भी खत्म और हीरे भी। चुप। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा। अरे कमाल कर दी यार, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो और इस कदर जल्लाद। अगर तू एक लफ्ज़ और बोला तो मैं तेरी जान मार डालूंगा। खूबसूरत नहीं है। शट अप। वंडरफुल मीना, मैं जानता था तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी तुम्हें। खबरदार शेख जी, अपनी जगह पे खड़े रहिए वरना। नहले पे डायलॉग। शेख जी, हीरे औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरे हैं। इस रिवॉल्वर में 5 गोलियां बाकी हैं और मैंने आप ही से सीखा है सेठ जी, कभी कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 5 लाशें छोड़कर जाऊंगी। नहीं, तुम रुक जाओ बहन जी, रुक जाओ। इसका ये मतलब हुआ कि सेठ जी के साथ साथ हम चारों को भी मार दोगी? हाँ। तो सुनो बहन जी, सरकार भी फांसी देने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है राणा। इसलिए आपसे प्रार्थना है बहन जी, एक मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिला, एक बार अपने लगते जिगर को सीने से लगा लूं। आप माँ हो या ना हो, लेकिन औरत जरूर है। जल्दी करो पिताजी, तौल जमीन पर आपके पीछे भगवान तुझे लंबी उम्र दे। सुना तुमने? जरा बातों में लगा। बहन जी, गोली चलाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। क्या? बहन जी, मैं बड़ा पापी हूँ, जीवन में बहुत पाप किए हैं और राणा ने भी। हाँ, इसलिए बहन जी हम चाहते हैं कि जाते समय अपने गुनाहों की माफी मांग लें और किसी तीर्थ स्थान की तरफ सर टेक के। बहन जी, फरुखाबाद किस तरफ है? अरे फरुखाबाद नहीं, हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार किस तरफ है? अरे कहीं भी हो, भगवान तो सब जगह है। चल यहीं माता टेक दे। चल चल चल, माथे से माता टेक दे। दीनदयाल अंतर्यामी बंधु।
होगा दास, तुम दोनों बदमाश यहां भी, यू हट, बाहर निकलकर पूछूंगा। जल्दी मत लौटना उल्लू के। मुन्नी बिटिया, मुन्नी बिटिया, मुन्नी बिटिया, पापू, मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, जीते रहो और खुश रहो। राना, राना, शायद अब तुझे मेरी जरूरत नहीं। हाँ, तुझे तेरा बेटा मिल गया, एक बहू मिल गई, एक समधे मिल गया, और सरकार ने तुझे 2.5 लाख रुपए इनाम में भी दे दिए। ये भी ठीक है, लेकिन वो तो तुझे भी मिले। अरे मुझे क्या जरूरत, तुझे चाहिए तो ले ले। ये भी ठीक है। नहीं, ये भी ले ले, मुझे इसकी भी क्या जरूरत। ये भी ठीक है, मैं तो हेरा फेरी करके कमा लूंगा। ये भी ठीक है, तू आराम से रहना। ये भी ठीक है, तो आखिरी बार मिल लू तुझसे। हाँ हाँ जरूर। राजा बोल, एक बात का वायदा कर। बोल। अब तू कभी किसी लड़की के पीछे नहीं जाएगा। इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ना तो दोस्त है, तुझसे वादा करता हूँ, पीऊंगा भी नहीं। यह भी ठीक है, चलता हूँ। यह भी ठीक है। बेगम साहिबा, आधा वक्त, आधा वक्त। आपको कहीं देखा है? मैं तो बुरके से कभी बाहर ही नहीं आती। हाँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं आपके यहाँ काम करता था। हाथ क्यों लगाते हो, घर में माँ बहन है या नहीं? यही तो रोना है बेगम साहिबा, माँ बहन भी नहीं और वो भी नहीं, इसलिए तो कह रहा था कि धोखा, दोस्तों के धोखा दे रहा है। हाँ दिया, तो दिया। जाता कहाँ? छोड़ मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। अपना वायदा इतनी जल्दी तोड़ दिया? वो मेरी आदत है, मैंने तोड़ दिया। अबे वो तो ठीक है, लेकिन इतने सालों की दोस्ती ऐसे टूटती है? शर्म नहीं आती? जा रहा था, घर में बेटा आया है, बहू आई है। बेटा बहू तो? अरे वो तेरा भी तो बेटा है, और अगर वो तेरा बेटा हुआ तो बहू भी तो तेरी हुई। ये कहकर तूने फिर से मुझे रोक लिया यार। चल तू बेचारे।